गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना वर्किंग कैपिटल की थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं। बेटा अभी तक जो हम लोगों ने देखा उसमें हम लोग क्या चेक कर रहे थे, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना। ठीक है, तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर हमारा फॉर्मूला क्या आता है, रॉ मेटेरियल स्टोरेज पीरियड। रॉ मेटेरियल का अगर तुम स्टोरेज पीरियड निकाल रहे हो तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, एवरेज स्टॉक हम लोग कितना मेंटेन करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं कंजम्पशन पर डे के साथ। तो यहां पर मेरा जो आंसर है वो डेज में आ जाता है, यानी मेरा आंसर यहां पर आता है डेज में, भी कितने दिन के लिए हमारे पास ये स्टॉक रहने वाला है। ठीक है, अगर मैं इसी को अमाउंट में निकालना चाहूं, यानी अब मुझे यहां चेक करना है मेरे पास जो स्टॉक है उसकी अमाउंट में वैल्यू कितनी है, तो ये और कुछ भी नहीं है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होता था एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल। अब मुझे एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, और अब मेरे पास ये गिवन होगा रॉ मेटेरियल स्टोरेज पीरियड कितना है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बोल सकता हूं, सर अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल। ठीक है, अब इसको यहां पर क्या करेंगे बताओ, रॉ मेटेरियल स्टोरेज पीरियड गिवन होगा मेरे पास। ठीक है, ये पूरी की पूरी वैल्यू अब हम लोग यूज कर लेते हैं। तो मैं यहां क्या बोल देता हूं, एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मेटेरियल कंजम्पशन पर डे, कंजम्पशन पर डे। ठीक है, मल्टीप्लाई किसके साथ कर दोगे, रॉ मेटेरियल स्टोरेज पीरियड के साथ। बस और कुछ भी नहीं है, यानी पहले क्वेश्चन के अंदर मुझे फाइंड आउट करना था स्टोरेज पीरियड, और अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल कितना है। ठीक है, तो जब हम लोग एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मेटेरियल कंजम्पशन पर डे निकालते हैं तो वहां हमारा फॉर्मूला क्या यूज होता है, वहां हमारा फॉर्मूला क्या यूज होता है, यहां यूज होता है बेटा टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मेटेरियल। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मेटेरियल हम लोग इसको डिवाइड करते हैं किसके साथ, 365। ठीक है, और इनटू में क्या कर देंगे हम लोग, इनटू में कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे बताओ, इनटू के अंदर रॉ मेटेरियल स्टोरेज पीरियड जो हमारे पास गिवन होगा। अब इस चीज का ध्यान रखना, अगर रॉ मेटेरियल स्टोरेज पीरियड मेरे पास गिवन है डेज में तो मैं यहां डिवाइड करूंगा 365 से, अगर मेरे पास ये गिवन है मंथ में तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 12 से, अगर ये गिवन है वीक में तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 52 से। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है जो हम लोग आज वाले पार्ट में निकालेंगे, वहां हम लोग क्या करेंगे, जितने भी करंट एसेट्स हैं हमारे पास सभी करंट एसेट्स की हम लोग वैल्यू निकालेंगे अमाउंट के अंदर, यानी मुझे फाइंड आउट करना है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, एवरेज डब्ल्यू आई पी, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स या फिर एवरेज डेटर। ठीक है, और फिर जितनी भी हमारे पास लायबिलिटी की वैल्यू आएंगी वो निकाल के हम लोग क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, तो बिल्कुल लास्ट में जो हमारे पास अमाउंट आएगी उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, वर्किंग कैपिटल। ओके, ये आ जाओ बेटा पेज नंबर 20 पे, जो हमारे पास में पॉइंट गिवन है 10.6.2, इसके ऊपर आ जाओ। देखो क्या गिवन है, एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ करंट एसेट्स, यानी कि करंट एसेट्स के अंदर जितनी भी हमारे पास में चीजें आएंगी, चाहे वो मेरे पास में रॉ मेटेरियल का स्टॉक हो, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक हो, चाहे वो मेरे पास में फिनिश गुड्स का स्टॉक हो, चाहे वो डेटर का बैलेंस हो, या फिर कोई एडवांस पेमेंट की गई हो जिसको हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, एंड जितनी भी हमारे पास में करंट लायबिलिटी हो, इन सबको एस्टिमेट करो। एस्टिमेट करने का मतलब इन सब की अमाउंट निकालो। ठीक है ना, इन सब की मुझे निकालनी है अमाउंट रुपीज के अंदर। तो क्या लिखा है, द वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी हैव ए डायरेक्ट बियरिंग ऑन द कंपटीशन ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड ऑपरेटिंग साइकिल। द होल्डिंग पीरियड ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी साइकिल मे आइदर कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड द नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, यानी कि ये जो हमारा पीरियड है कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो कितना पीरियड कम कर रही है यहां पर कंपनी वाले,
मतलब कितना एवरेज स्टॉक ज्यादा रखना चाहते हैं, कम रखना चाहते हैं, वो टॉपिक हम लोग नहीं कर रहे हैं। हमें यहाँ पर टॉपिक करना है करंट एसेट को एस्टिमेट करने का। देखो क्या फॉर्मूला गिवन है, रॉ मेटेरियल इन्वेंट्री। रॉ मेटेरियल इन्वेंट्री के लिए क्या चेक करोगे, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट्स। ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, हम लोग 1 लाख यूनिट्स बना रहे हैं, 2 लाख यूनिट्स बना रहे हैं, वो है। इनटू में एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट्स, अगर मैं इन दोनों की साथ में कर दूं मल्टीप्लाई, तो मेरे पास ये क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा मेरे पास टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मेटेरियल। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मेटेरियल। उसको डिवाइड कितने से किया गया है, 12 मंथ से, या फिर डिवाइड कर रहे हैं 365 डेज से। तो सर ये तो वही आ गया जो आपने अभी अभी बताया था, तो वही है ये, इसमें और कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मेटेरियल डिवाइड में क्या कर दोगे, अगर मेरे पास स्टोरेज पीरियड मंथ में गिवन है तो डिवाइड करो 12 से, मेरे पास अगर स्टोरेज पीरियड डेज में गिवन है तो डिवाइड कर दो 365 से। ओके, तो 12 से डिवाइड करो या 365 से डिवाइड करो, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर यही क्वेश्चन गिवन होता वीक में तो हम लोग डिवाइड करते 52 वीक के साथ। ठीक है, बताओ यहां तक बातें क्लियर। सेम प्रोसेस चलेगी हमारे पास WIP के अंदर, फिनिश गुड्स के अंदर। अब बेटा एक चीज को ध्यान रखना, जब भी हम लोग WIP की कॉस्ट लेके चलते हैं, ठीक है, सीधे सीधे आ जाओ, मैं इसका एक टॉपिक करवाता हूं। मुझे बता दो, जब हम लोग रॉ मेटेरियल की कॉस्ट लेके चलेंगे तो मुझे क्या लेके चलना है सर, रॉ मेटेरियल की परचेज प्राइस। ठीक है, जब मैं यहां पर WIP की यहां पर कॉस्ट वगैरह लेके चलूंगा तो मुझे क्या लेके चलना होगा। हेलो हेलो, जब मैं WIP की कॉस्ट फाइंड आउट कर रहा हूं तो मुझे क्या लेके चलना है। सबसे फर्स्ट यहां पे हमारे पास में दो अप्रोच यूज होती हैं, ठीक है, यहां पे हमारे पास दो कंसेप्ट यूज होते हैं, दो अप्रोच यूज होती हैं, जो हमें WIP की वैल्यूएशन सिखाती हैं भी WIP की वैल्यूएशन हम लोग कैसे करें। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच हमें क्या कहती है बेटा, रॉ मेटेरियल जितना है उसकी टोटल वैल्यू यूज कर लो WIP की कॉस्ट के अंदर, यानी रॉ मेटेरियल की प्राइस जितने रुपए भी आ रही है, जैसे पर यूनिट 5 रुपए, पर यूनिट 10 रुपए, तो वो पूरी की पूरी हम लोग मान के चलेंगे कि हमने मशीन के अंदर रॉ मेटेरियल डाल दिया, हमने मशीन के अंदर रॉ मेटेरियल डाल दिया। अब जो रॉ मेटेरियल हमने मशीन में डाल दिया वो पूरा का पूरा लग चुका है, ठीक है, अब जो उसके ऊपर लेबर है या फिर जो हमारे पास यहाँ पर ओवरहेड है वो कितने परसेंट लग चुके हैं, ये हमें चेक करना है। तो या तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन होगा कितने परसेंट लग चुके हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं तो हमारी पहली अप्रोच क्या कहती है, हम 50-50% उसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये मान लेता हूं रॉ मेटेरियल हमारे पास में 10 रुपीज पर यूनिट है, अगर रॉ मेटेरियल मेरे पास में 10 रुपए पर यूनिट है तो मैं ये मान के चलूंगा 10 रुपए का पूरा रॉ मेटेरियल WIP के अंदर इंक्लूडेड है। मान लो लेबर है हमारे पास में 8 रुपए पर यूनिट, तो मैं इसका मान के चलूंगा 50%। 50% मतलब यहां पर हमारे पास आ जाएगा 4 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, साथ में मान लो ओवरहेड के अंदर हमारे पास खर्चा गिवन है 6 रुपीज पर यूनिट, तो फर्स्ट अप्रोच हमें क्या कहती है, इसका 50% खर्चा मान के चलो और हमारे पास यहां पर अमाउंट कितनी आ जाएगी, 3 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, तो जब भी तुम WIP की वैल्यू निकालोगे वहां पर तुम्हें बारी बारी से 10 रुपीज, 4 रुपीज या 3 रुपीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम सिंपली बता सकते हो 10, 4, 3, यानी कि जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स तुम्हारी चल रही है WIP के अंदर, मान लो नंबर ऑफ यूनिट्स है मेरे पास 1 लाख जो प्रोडक्शन होने वाला है टोटल, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट हम लोग कितनी यूज करेंगे, 17 रुपीज। और ये मैं ये कह रहा हूँ जो 1 लाख यूनिट्स हैं वो पूरे साल के लिए हैं, और मेरी WIP के प्रोसेस में 1 महीना लगता है, 1 मंथ, तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे, 1 लाख की जो कॉस्ट आई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टोरेज पीरियड के साथ, यानी ये स्टॉक हमारे पास 1 महीने के लिए रहता है, 1/12 कर दोगे।
ठीक है। अब जो सेकंड अप्रोच आती है, वो सेकंड अप्रोच हमें क्या बताने वाली है? अब जो हमारे पास सेकंड अप्रोच आएगी, सेकंड अप्रोच हमें क्या बताएगी? रॉ मटेरियल का खर्चा। अगर तुम्हारा 10 रुपीज पर यूनिट है तो इसको यहां मान लो 100%। सर यही आपने फर्स्ट में माना था, बिल्कुल। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 रुपीज। अब मैं बात कर रहा हूँ लेबर की या वेजेज की। ये मान लो हमारे पास खर्चा आ रहा है 8 रुपीज पर यूनिट, तो इसको भी मान लो 100%, और हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 8 रुपीज। अगर ओवरहेड की कोई यहाँ पर अमाउंट आ रही है 6 रुपीज पर यूनिट, तो इसको भी यहाँ अज्यूम कर लो 100%, ये खर्चा लग चुका है, और ये अमाउंट हमारे पास कितनी आ जाएगी? 6 रुपीज। और मैं यहाँ अगर टोटल चेक करता हूँ तो टोटल मेरे पास अमाउंट कितनी आती है? 24 रुपीज। ठीक है बेटा, ये बताओ कौन सी अप्रोच प्रैक्टिकली मुझे सही लग रही है? WIP का मतलब क्या होता है? सर WIP का मतलब ये होता है, ये जितना भी स्टॉक हमारे पास पड़ा है, इस सारे के सारे स्टॉक को हमने एक पूरी सी बड़ी सी जो हमारी मशीन है उस मशीन के अंदर डाल दिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा रॉ मटेरियल का जो स्टॉक था ये मैंने मशीन के अंदर डाल दिया। ठीक है सर, बिल्कुल डाल दिया। तो ये 100% अगर हम लोग यूज करते हैं तो ठीक है, ये स्टॉक अभी तक बन के कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर ये स्टॉक बन के कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम अपने आप को जस्टिफाई कैसे करेंगे 100% को यूज करके? समझ गए मेरी बात? यानी ये जो यहाँ से स्टॉक, अभी जो यहाँ स्टॉक पड़ा है जिसकी प्रोसेस चल रही है, बट मेरा ईयर एंड हो गया, मुझे बैलेंस शीट बनानी है, मुझे अपनी करंट एसेट की वैल्यू बतानी है। इस स्टॉक को बनने में अभी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और लगने वाले हैं। तो मुझे ये बता दो बेटा, जिसका नाम हम लोग WIP बोल रहे हैं, क्या उसको हमें ये अज्यूम करना चाहिए उसके ऊपर पूरी लेबर कंप्लीट हो चुकी है या उसके ऊपर पूरे ओवरहेड कंप्लीट हो चुके हैं? नहीं बोलना चाहिए। इसलिए सेकंड अप्रोच हमें कभी नहीं यूज करनी चाहिए। बट हमारी बुक्स के अंदर काफी टाइम क्या करते हैं, क्वेश्चन में नोट डालकर सेकंड अप्रोच को यूज कर लेते हैं। तो सेकंड अप्रोच हम लोग कब यूज करेंगे बताओ भी, कब यूज करेंगे? सेकंड अप्रोच या तो क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, पहला पार्ट, सेकंड अप्रोच हम लोग तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन के अंदर गिवन हो। सर क्या गिवन मिलेगा? बेटा यहाँ ये गिवन मिलेगा कि लेबर का और ओवरहेड का खर्चा पूरा का पूरा लग चुका है। WIP के अंदर जो प्रोसेस चल रही है उसमें लेबर और ओवरहेड का खर्चा पूरा पूरा लग चुका है। अगर ये चीज गिवन है तब हम लोग सेकंड अप्रोच को यूज करेंगे। दूसरा, ठीक है, पहला तो क्या था, 100% खर्चे हो चुके हैं लेबर के और ओवरहेड के, ये चीज क्वेश्चन में गिवन है तभी हम लोग यूज करेंगे। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में 60% गिवन हो, 70% गिवन हो, तो हम लोग वो भी यूज कर सकते हैं। सेकंड अप्रोच के लिए सेकंड टॉपिक, यानी हम लोग यूज कब करेंगे? जब क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, बहुत ही स्मॉल टाइम पेंडिंग है, यानी ये जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। WIP की प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्टॉक हमारा 90% या 95% कंप्लीट हो चुका है, तब हम लोग बोलेंगे चलो 100% 100% लेबर और ओवरहेड को यूज वहां पर कर दो। ठीक है, तो बताओ अगर हम लोग शॉर्ट में एक नोट्स बनाते हैं तो वो नोट्स हमें क्या बताएगा? सर WIP की वैल्यूएशन कैसे करें? या तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा, ठीक है, या तो क्वेश्चन में बताएगा क्या करना है। अगर क्वेश्चन हमें नहीं बताता तो हम लोग रॉ मेटेरियल की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे? 100%। और लेबर की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे बताओ? कितनी लेके चलेंगे? 50%। और ओवरहेड की वैल्यू हम लोग कितनी लेके चलेंगे? 50%। ठीक है, जब हम लोग कॉस्ट की प्रोसेस वाले चैप्टर को जाएंगे तो कॉस्ट के अंदर, प्रोसेस वाले चैप्टर के अंदर भी टॉपिक यूज होगा। ठीक है, ये हमें 150-50 ही अज्यूम करना है। जो हमारी सेकंड अप्रोच है, जहां पर रॉ मेटेरियल हम लोग 100% यूज करते हैं, लेबर भी हम लोग 100% यूज करते हैं, और ओवरहेड भी हम लोग 100% यूज करते हैं, ये कंसेप्ट मुझे तभी यूज करना है जब क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, या फिर क्वेश्चन में कोई ऐसा हिंट गिवन हो, या तो क्वेश्चन में क्लियर कट गिवन हो,
मुझे 100 100 ही यूज करना है, या फिर क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा हिंट गिवन हो जिसके अंदर ये बताया गया हो मोस्टली स्टॉक हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तब हम लोग ये कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी भी क्वेश्चन में तुम ये कंसेप्ट यूज करते हो तो तुम्हें अपनी अजम्पशन देनी होगी, और वो अजम्पशन मैं सजेस्ट नहीं करता। यानी आशीष कलरा की बुक में देखो या आईसीआई की बुक में देखो, कहीं ना कहीं ये लोग प्रायोरिटी देते हैं इस मेथड को, बट ऐसा नहीं है अभी इस मेथड को रिजेक्ट कर रहे हैं। बट मैं ये चाहता हूं तुम लोग अपनी हैबिट बनाओ, जब तक ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है हम लोग ऑलवेज प्रायोरिटी क्या, हम लोग यूज ही इसको करेंगे। ठीक है बेटा, आ जाओ। WIP के अंदर हम लोगों ने चेक कर लिया, अब आते हैं अभी फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में भी सेम टॉपिक, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट्स कितनी है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है। ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, यानी कि हमारा रॉ मेटेरियल का खर्चा टोटल 100% लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग चेक कर रहे हैं भी हमारे पास में रॉ मेटेरियल के बाद में लेबर का खर्चा 100% लग जाएगा, देन हमारे पास में खर्चा किसका लग जाएगा, ओवरहेड का खर्चा लग जाएगा 100%। ठीक है, ये टाइम पीरियड मेरे पास ऑलरेडी गिवन होगा, स्टोरेज पीरियड कितना है, 1 मंथ 2 मंथ या फिर डेज में गिवन है, तो हम लोग डेज को यूज करने वाले हैं। ठीक है, वो कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके, डेज हम लोग 360 यूज करें, 365 यूज करें या 366 यूज करें। ओके, डेटर के अंदर डेटर के अमाउंट कैसे निकालोगे, एस्टिमेटेड क्रेडिट सेल। ठीक है, यहां पर भी नोट लिखोगे बेटा तुम अपने आप से, एस्टिमेटेड क्रेडिट सेल ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, क्रेडिट सेल की यूनिट्स कितनी है, यानी हम लोग कितनी यूनिट्स यहां पर सेल करने वाले हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एस्टिमेटेड क्रेडिट सेल। अब उस यूनिट्स को तुम मल्टीप्लाई करोगे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल के साथ। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या बेटा, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब ये है यहां पर जितना भी खर्चा प्रोडक्शन के ऊपर लगा है सारा इंक्लूडेड होगा बट नॉट इंक्लूडेड प्रॉफिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं तुम्हें ये कहता हूं कि हम लोग 1 लाख यूनिट्स को सेल कर रहे हैं, हम लोग 1 लाख यूनिट्स को सेल कर रहे हैं और किस रेट में सेल कर रहे हैं, ₹10 पर यूनिट। बताओ मुझे, सारी सेल अगर मेरे पास क्रेडिट की है तो मेरे पास क्रेडिट सेल की अमाउंट कितनी आ जाएगी, 10 लाख रुपीज। मेरे पास जो ये क्रेडिट सेल की अमाउंट कितनी आ जाएगी, 10 लाख रुपीज। अब मुझे ये बता दो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकालने के लिए क्या मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। सर आप ये बताओ इसको बनाने में खर्चा कितना लगा था, बेटा इसको बनाने में लगे थे ₹9 पर यूनिट, इसको बनाने में ₹9 पर यूनिट लगे थे। तो मुझे ये बताओ इस स्टॉक के लिए जो सेल हुआ है मुझे 9 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है या 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। इस टॉपिक के ऊपर फोकस करना बेटा पूरा पूरा। ठीक है ना, बुक्स वाले यहां पर भी अजम्पशन यूज करके क्या कर देते हैं, सेल अमाउंट को यूज कर लेते हैं। तो मुझे जब भी डेटर निकालना है तो मुझे क्या यूज करना है, मुझे यूज करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ सेल बोल दो, बट मुझे यहां पर कभी भी प्रॉफिट को इंक्लूड करके सेल अमाउंट को यूज नहीं करना। मैं सेल प्राइस या सेल अमाउंट को यूज नहीं करता हूं, मैं यहां पर यूज किसको करूंगा, कॉस्ट को। हमारी कॉस्ट कितनी लगी है, क्योंकि कॉस्ट के बेस पे ही फाइंड आउट करेंगे ना हम लोग, कॉस्ट के बेस पे ही फाइंड आउट करेंगे कि हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट एक्चुअल में है कितनी। तो जनरल सी बात है, 1 लाख यूनिट सेल 10 लाख रुपए में हो रही है बट उसके बनाने का खर्चा कितना आया, 9 लाख रुपए। तो मुझे यहां पर 9 लाख रुपए को लेके चलना है। ओके, ठीक है बेटा यहां तक टॉपिक। अब एक चीज को और यहां पर थोड़ा सा चेंज करके देखोगे, मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं और तुम लोग मुझे बताओगे कि हमें वहां पर रॉ मेटेरियल के लिए वैल्यू क्या लेके चलनी है और हमें फिनिश गुड्स के लिए क्या यूज करना है, WIP के लिए क्या यूज करना है और डेटर के लिए क्या यूज करना है। मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं डेटर और फिनिश गुड्स की प्राइस के अंदर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो बेटा मैं यहां ये बता रहा हूं रॉ मटेरियल जो हम लोग परचेज कर रहे हैं,
रॉ मेटेरियल की जो हमारी प्राइस आ रही है, ध्यान से देखना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट चल रहा है। और ये भी कह सकते हो सर एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। जो पार्ट हम लोग अभी करेंगे उसके बेस पे थर्ड फोर्थ बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, और आज तुम लोग को काम भी आशीष कलरा वाली बुक में से बहुत सारा मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद में एक दिन का गैप दे दूंगा ताकि तुम लोग अच्छे से अपना काम कंप्लीट कर लोगे। रॉ मेटेरियल प्राइस मान लो हमारे पास आ रही है ₹10 पर यूनिट, ठीक है, क्लियर है सर। लेबर का जो हमारा खर्चा आ रहा है वो आ रहा है ₹8 पर यूनिट, लेबर के बाद जो मेरे पास ओवरहेड के खर्चे हैं वो सपोज कर लो आ रहे हैं ₹6 पर यूनिट, ठीक है। तब मुझे एक बार दोबारा से बता दो, रॉ मटेरियल के लिए तुम क्या प्राइस यूज करोगे, बताओ बेटा। जब मैं रॉ मटेरियल की अमाउंट निकालूंगा तब तुम रॉ मटेरियल के लिए क्या प्राइस यूज करोगे? सर ये पूछने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, ₹10 पर यूनिट, यहां तो हमें कोई डाउट ही नहीं है। अब बताओ WIP के लिए क्या यूज करोगे? WIP के लिए हम लोग यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफिकली गिवन नहीं है, तो ₹10 प्लस ₹4 प्लस ₹3, दैट इज ₹17 पर यूनिट। हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं ₹17 पर यूनिट। कैसे किया भाई? रॉ मेटेरियल 100% यूज कर दिया, लेबर 50% और ओवरहेड हमारा 50% यूज हो गया, ठीक है। जब मैं यहां वैल्यू निकालने जा रहा हूं फिनिश गुड्स की, तो फिनिश गुड्स के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं बताओ? फिनिश गुड्स के लिए क्या यूज करोगे? ₹10 प्लस ₹8 प्लस ₹6, यहां हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ₹24 पर यूनिट, ठीक है यहां तक। अब मैं तुम्हें छोटी सी इंफॉर्मेशन और बताता हूं, मान लो इनके अलावा कुछ ऑफिस एक्सपेंसेस और भी है हमारे पास, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। पीछे वाली क्लास तक हमने डिफरेंशिएट नहीं किया था, ठीक है ना, तो लास्ट जो हमारी दो क्लास गई है उसके अंदर हमने ये डिफरेंशिएट नहीं किया था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हम लोग फिनिश गुड्स के लिए यूज कर रहे हैं, फिनिश गुड्स के लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब जब मैं यहां पर डेटर की इंफॉर्मेशन निकालूंगा, जब मैं यहां पर डेटर की इंफॉर्मेशन निकालूंगा तो मैं यहां पर वर्ड क्या यूज करूंगा? कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल में एक ही हमारे पास डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस किसका आता है? ऑफिस एक्सपेंसेस। तो मान लो क्वेश्चन में गिवन है ऑफिस एक्सपेंसेस आ रहे हैं ₹2 पर यूनिट, तो क्या मुझे उसको डेटर की कॉस्ट निकालते टाइम ऐड करना है? बिल्कुल ऐड करना है। यानी मेरी यहां पर डेटर की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी? ₹24 प्लस ₹2, दैट इज ₹26 पर यूनिट, ठीक है सर। अगर यहां पर हमारे पास प्रॉफिट भी गिवन होता तो, यानी प्रॉफिट गिवन है मेरे पास पर यूनिट, कितना गिवन है? मान लो ₹4 गिवन है, यानी हम लोग जो सेल वगैरह करने वाले हैं वो ₹30 पर यूनिट में सेल करने वाले हैं, तो क्या मैं उस ₹4 को ऐड करूं या ना करूं? क्या हमें प्रॉफिट को यहां पर ऐड करना चाहिए? जो ₹4 प्रॉफिट के हैं क्या हम लोग इसको ऐड करें? नहीं सर, इसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। बेसिकली अगर कहीं क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि आपको ऐड करने हैं तो हम ऐड कर देंगे, अदरवाइज हमें इसको ऐड नहीं करना, ओके। तो दोबारा से मेमोराइज कर लो पॉइंट, क्योंकि इसी पॉइंट के बेस पर बहुत अनलिमिटेड क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं जिनकी हमें जम के प्रैक्टिस करनी है। और ये मान के चलो बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। सर कितने नंबर का आएगा? बेटा ये क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर हमारा आता है तो कितने नंबर का आएगा? 8 नंबर का। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हुआ सब बच्चों को? तो ये चीज ध्यान रखो, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास टॉपिक हमें क्या यूज करना है, रॉ मेटेरियल के अंदर ओनली रॉ मेटेरियल की प्राइस, ठीक है। WIP के अंदर कंसेप्ट हमारे दोनों यूज हो सकते हैं, बट हम लोग 50% वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। फिनिश गुड्स के अंदर सारी कॉस्ट इंक्लूड हो जाएगी,
बट अगर कोई ऑफिस के या सेलिंग के अगर कोई एक्सपेंसेज है वो इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। बट जब हम लोग डेटर की बात कर रहे हैं तो वो एक्सपेंसेज हमारे इंक्लूड हो जाएंगे जो ऑफिस के या सेलिंग के एक्सपेंसेज हैं, बट प्रॉफिट को मुझे यहाँ इंक्लूड नहीं करना। ओके, तो मैं एक बार आता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर, फिर हम लोग इस टॉपिक को करेंगे दोबारा से रिपीट। देखो बेटा, इलस्ट्रेशन थर्ड में क्या की बना है, ऑन 1 जनवरी द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नॉरिन लिमिटेड विशेस टू नो द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इनको वर्किंग कैपिटल निकालनी है, दैट विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्ट। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वॉज 60,000 यूनिट्स, प्रोडक्शन हम लोग कितना कर रहे हैं, 60,000 यूनिट्स कर रहे हैं। इट इज प्लान दैट दिस लेवल ऑफ एक्टिविटी वुड बी मेंटेन ड्यूरिंग द प्रेजेंट ईयर, यानी हमें इस साल 60,000 यूनिट्स बनानी है। द एक्सपेक्टेड रेशो ऑफ द कोस्ट टू द सेलिंग प्राइस आर रॉ मटेरियल 60%, जो हमारा कोस्ट का परसेंटेज गिवन है रॉ मटेरियल का वो कितना है, 60% है। डायरेक्ट वेजेस 10% और ओवरहेड कितने हमारे पास में, 20%। तो मुझे एक बार इस क्वेश्चन में ये चेक करना है हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है, बताओ मुझे ये चेक करना है इस क्वेश्चन के अंदर हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है। सर सेलिंग प्राइस मिल गई हमें 5 रुपीज, तो बताओ बेटा 5 रुपए की सेलिंग प्राइस है तो रॉ मेटेरियल की कीमत कितनी है उसके अंदर, सर 60%, यानी कि 3 रुपए, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस कितना मेरे पास में, 10%, तो 5 रुपीज का 10% यानी कि 50 पैसा, ठीक है। ओवरहेड कितने आ रहे हैं हमारे पास में, 20%, तो 5 रुपीज का 20% दैट इज 1 रुपीज, यहां से क्लियर हो गया। तो मुझे बार बार 60%, 10 या 20% करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज ओके। अब देखो, रॉ मेटेरियल आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन स्टोर फॉर एन एवरेज ऑफ 2 मंथ, 2 महीने के लिए रॉ मेटेरियल हमारे पास में स्टोर में पड़ा रहेगा। तो सर ये तो ऑपरेटिंग साइकिल में जो हम लोगों ने टाइम पीरियड निकाला था ये वही टाइम पीरियड है, बिफोर इशू टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में इशू करने से पहले 2 महीने के लिए रॉ मेटेरियल मेरे पास रहने वाला है। तो अगर मैं यहीं से रॉ मेटेरियल की कैलकुलेशन निकालूं तो क्या निकलेगी, बताओ बेटा रॉ मेटेरियल की कैलकुलेशन क्या निकलेगी, सर 60,000 यूनिट्स हैं हमारे पास, 60,000 यूनिट्स हैं, ठीक है। रॉ मेटेरियल की प्राइस कितनी आ रही है, 3 रुपीज। तुम्हें क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, मैं अभी तुम्हें इसका सोल्यूशन दिखाऊंगा, ये करने के बाद फिर देखना उसमें कॉम्प्लिकेशन कितनी ज्यादा कर रखी है, तो हमें उस कॉम्प्लिकेशन से बचना है, ठीक है ना। सीए एग्जाम के अंदर कभी भी अपने माइंड में ये मत लेके चलना कि हम लोग जितनी ज्यादा क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाएंगे उतना ही हमारा क्वेश्चन इफेक्टिव होगा या हमें उसके ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं। 3 रुपीज। अब बताओ बेटा ये 60,000 रुपए के हमारे पास में यूनिट थी, 3 रुपए पर यूनिट का खर्चा आ रहा है, यानी टोटल कॉस्ट आ गई 1,80,000, मुझे 2 महीने की निकालनी है और ये टाइम पीरियड मंथ में गिवन है, तो मैं इसको सीधे सीधे कर देता हूँ 2/12, ठीक है। तो निकाल दो ये कितनी अमाउंट आ रही है, ये अमाउंट आ गई बेटा हमारे पास 30,000 रुपीज, यानी रॉ मटेरियल जो हमारे पास एवरेजली रहने वाला है वो अमाउंट हमारे पास कितनी आ गई, 30,000 रुपीज। ठीक है, अब देखो इन लोगों ने क्या किया है, 60,000 इंटू 5 इंटू 60%, देन उसके बाद में निकाल दिया मंथली कंजम्पशन कितना होता है 15,000 रुपये, कैसे निकाला, 12 से डिवाइड करके, और फिर बोल दिया हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 2 मंथ के लिए है, इसकी बजाय हम लोग सीधे सीधे लिख देंगे 60,000 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2/12, और ये कहीं एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा करो तो एक काम कर लो, वर्किंग नोट के अंदर पहले ही प्राइसेज बता दो, ठीक है ना, सबसे ऊपर लिखो सेलिंग प्राइस, वर्किंग नोट के अंदर एक काम कर लो सबसे पहले यहां पर प्राइस बता दो। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी आ रही है बताओ, सर सेलिंग प्राइस आ रही है 5 रुपीज, ठीक है। सेलिंग प्राइस के बाद फिर अगर मैं रॉ मेटेरियल की बात कर रहा हूं तो वो कितना आ रहा है, 60%,
बताओ बताओ बेटा, 60% कर दोगे तो यही मेंशन कर दो, ₹3 पर यूनिट। ठीक है, ये सबसे बेटर रहेगा। लेबर की वैल्यू या ओवरहेड की वैल्यू, लेबर की कितनी आ रही थी, 10% ऑफ ₹5 पर यूनिट। तो मेरे पास लेबर की वैल्यू आ जाएगी 50 पैसा पर यूनिट। ओवरहेड की वैल्यू कितनी आ रही थी, 20%। तो ये नोट के अंदर तुम पहले ही बना दो ताकि तुम्हें बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ₹5 का कर दो 20%, तो अमाउंट आ जाएगी ₹1 पर यूनिट। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। ईच यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोसेस फॉर 1 month, यानी कि WIP की बातें बता रहे हैं। WIP की प्रोसेस में 1 महीना लगने वाला है। द रॉ मेटेरियल बिंग फेड इन टू द पाइपलाइन इमिजिएटली एंड द लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट अक्रूइंग इवनली ड्यूरिंग द मंथ। बेटा क्या बता दिया, रॉ मेटेरियल इमिजिएटली पाइपलाइन में डाल देंगे यानी मशीन में डाल देंगे, लेबर और ओवरहेड हमारे पास में इवनली लगता रहेगा। जब भी ये लाइन गिवन हो तो इसका मतलब ये लोग ये कहना चाह रहे हैं रॉ मेटेरियल और ओवरहेड हमें 50-50% यूज करना है, और हम भी यही यूज करना चाहते हैं क्योंकि लॉजिकली हमने पढ़ लिया 50-50% इज करेक्ट आंसर। ओके, तो बताओ बेटा अब यहाँ क्या आना चाहिए। सर यहाँ आना चाहिए 60,000 यूनिट्स इनटू, मैं प्राइस क्या लेके चलूँ, सर प्राइस लेके चलेंगे ₹3 प्लस हाफ कर दो, लेबर का हाफ कर दो, कितना, 25 पैसा। उसके बाद में ओवरहेड का हाफ कर दो, कितना, 50 पैसा। करना बेटा इसका टोटल, इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास 3 रुपीज 75 पैसा। ठीक है ना, इसका टोटल हमारे पास क्या आ रहा है, 3 रुपीज 75 पैसा। ठीक है, इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, 1 month के लिए। तो एक बार ये कैलकुलेशन करके देखो क्या हमारी कैलकुलेशन सही आ रही है। 60,000 इंटू 3.75 डिवाइड में 12, तो मेरी अमाउंट आ गई बेटा यहाँ से WIP की 18,750। मेरी यहाँ पर अमाउंट आ गई 18,750 रुपये की। एक बार देखो इन लोगों ने नोट्स में कैसे बनाया है। देखो वर्क इन प्रोसेस, पहले कह रहे हैं 1 month का रॉ मेटेरियल निकाल दो, ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं लेबर कोस्ट निकाल दो। तो बहुत अजीब सा वर्किंग नोट वगैरह बना रखा है जिसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर बता रखा है ओवरहेड हमारे कितने लगने वाले हैं, ₹5 का 20% का हाफ, यानी इन लोगों ने मंथ को ही हाफ में कन्वर्ट कर दिया। प्रीवियस वाले वर्किंग नोट में भी क्या कर दिया, मंथ को ही हाफ में कन्वर्ट कर दिया। हमें ये सारी प्रोसेस यूज नहीं करनी, हमने जो सिंपली करना है वैसे करेंगे हम लोग। यानी सीधे सीधे हम लोग क्या कर देंगे बताओ, 60,000 यूनिट्स और हमने निकाल दी 50% करके, कितनी वैल्यू आ रही है, 3.75, और इनटू में हम लोग क्या करने वाले हैं, 1/12। ठीक है, तुम ये डिफाइन कर दोगे अलग से नोट के अंदर 3.75 कैसे आया। ध्यान रखना बेटा अगर ये क्वेश्चन 12 नंबर में आता है तो जो तुम ये 3.75 है ना, इसी के नोट बनाने बनाने के तुम्हें कम से कम 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, तो चैप्टर वाइज अगर हम लोग मार्किंग स्कीम को समझते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, और इस चीज की गारंटी है अगर तुम लोग अच्छे से इसका प्रैक्टिकल पार्ट कर लेते हो, तो FM एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर तुम 60 में से 57, 58, इवन 60 नंबर भी बड़े आराम से स्कोर कर सकते हो। थोड़ा सा अगर कम भी करते हो तो भी 50 नंबर तो बड़े आराम से आएंगे। बेटा इसके ऊपर तुम्हें फोकस करना, इसके अंदर हमें एग्जम्पशन नहीं लेनी, इसमें हमें सुपर एग्जम्पशन लेनी है। इट मींस यहाँ अगर तुम्हारा टोटल 50 प्लस 30 भी आता है, 30 इकोनॉमिक्स के अंदर और 50 हमारी FM के अंदर, तो 80 नंबर आराम से कवर हो सकते हैं। और ये 80 नंबर आते हैं तो ग्रुप के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट रहेंगे उनमें हमें इजी हो जाता है। ठीक है, अब आओ दोबारा से क्वेश्चन पे। हाँ, क्या गिवन है, फिनिश गुड्स विल स्टे इन द वेयर हाउस अवेटिंग डिस्पैच टू कस्टमर फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 months। 3 महीने के लिए फिनिश गुड्स हमारे पास कहाँ रहता है, वेयर हाउस के अंदर।
सर इसकी वैल्यू बता दो। ये लो बेटा 60,000 रुपीज। वैल्यू क्या लेके चलूँ मैं? 3 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे, यानी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4.5 रुपए। ठीक है, इनटू में मैं क्या कर दूंगा, 3/12। अगर इनके अलावा कोई वैल्यू गिवन होती, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, तो वो मैं यहाँ ऐड नहीं करता, वो जब मैं डेटर की वैल्यू निकालता तब मैं उसको ऐड करता। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फिनिश गुड्स की। ठीक है, नेक्स्ट, क्रेडिट अलाउड बाई क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के द्वारा जो क्रेडिट अलाउ किया जा रहा है वो 2 महीने का पीरियड है। क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स, पहले हम लोग डेटर वाला चेक करेंगे। बताओ डेटर के अंदर अब मैं क्या लेके चलूँ, 5 रुपए या 4.5 रुपए? 5 रुपए तो है हमारे पास सेलिंग प्राइस, और 4.5 रुपए हैं हमारे पास, जो 4.5 रुपए हैं वो किस चीज के हैं? वो है कॉस्ट ऑफ सेल। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये तो? बेटा यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल में डिफरेंस नहीं है, बिकॉज यहाँ कोई अलग से सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं आए हुए। अगर तुम लोगों ने कॉस्ट में कॉस्टशीट वाला चैप्टर कर लिया है तो तुम ऑलरेडी जानते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या यूज करूंगा, 60,000 यूनिट्स इंटू 4.5, और इंटू क्या यूज कर दोगे बताओ, 3/12। ठीक है, तो निकाल लोगे यहां से वैल्यू डेटर की, और यहां से वैल्यू निकाल लोगे हमारे पास में फिनिश गुड्स की, और यहां से डेटर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्रेडिटर्स हमें 2 महीने का टाइम पीरियड दे रहे हैं। क्रेडिटर्स के लिए क्या चेक करें? सर 60,000 यूनिट्स हैं, इनको पेमेंट करनी है रॉ मेटेरियल के लिए, तो इंटू में 3, क्योंकि रॉ मेटेरियल की प्राइस कितनी आ रही है, 3 रुपीज। उसके बाद में ये लोग हमें टाइम कितना दे रहे हैं, 2 मंथ्स, तो 2/12 कर दो। ओके, देयर इज ए रेगुलर प्रोडक्शन एंड सेल साइकिल, ये बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऑलरेडी मान के ही चलते हैं रेगुलर प्रोडक्शन ही चल रहा है, इसी वजह से हम लोग एवरेज वर्ड यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी हम लोग यही मान के चलते हैं हमारे पास में एवरेज चल रहा है। ठीक है बेटा, तो देख लो डेटर की और फिनिश गुड्स की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ओके, देखो अब क्वेश्चन में लास्ट में क्या गिवन है। वेजेज एंड ओवरहेड आर पेड ऑन द फर्स्ट ऑफ ईच मंथ फॉर द प्रीवियस मंथ। वेजेज और ओवरहेड की पेमेंट पिछले महीने की अगले महीने की 1 तारीख को कर रहे हैं, यानी पिछले महीने का अगर कुछ भी पेंडिंग है लास्ट मंथ का, तो उसकी पेमेंट हम लोग कर रहे हैं 1 तारीख को। ठीक है, इसका मतलब जुलाई की पेमेंट कब होगी, 1 अगस्त को। अगस्त की पेमेंट कब होगी, 1 सितंबर को। तो इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब ये हो गया हमें 1 महीने का टाइम पीरियड मिल रहा है। ठीक है, तो 1 महीने के टाइम पीरियड का मतलब क्या हो जाएगा, वेजेस की जितनी तुम्हें पेमेंट करनी है, बताओ वेजेस की पेमेंट कितनी आने वाली है, 60,000 यूनिट्स के लिए कितनी वेजेस पे कर रहे हैं? अभी बार बार वही परसेंटेज कर रहे हैं, इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, 60,000 इंटू में 50 पैसा, और इंटू में 1 महीने का टाइम पीरियड मुझे मिल रहा है, तो 1/12। ठीक है, सेम ओवरहेड के लिए यूज कर दो, 60,000 इंटू में 1 रुपीज इंटू में 1 मंथ का मुझे टाइम पीरियड मिल रहा है। ठीक है, क्लियर? देखो लास्ट में कुछ और भी गिवन है क्या। द कंपनी नॉर्मली कीप कैश इन हैंड टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000 रुपीज, यानी ये जितनी एसेट वगैरह मैंने चेक की है, इसके अलावा कंपनी 20,000 रुपये का कैश ऑलवेज अपने हाथ में रखती है। कंपनी 20,000 रुपये का कैश ऑलवेज अपने हाथ में रखती है, तो जहां पर तुमने यहां स्टेटमेंट बनाई है उस स्टेटमेंट के अंदर 20,000 का कैश भी दिखा दो। ठीक है, तो ये मेरी रॉ मेटेरियल की वैल्यू, WIP की वैल्यू, फिनिश गुड्स की, डेटर की और कैश की वैल्यू। उसमें से हम लोग माइनस क्या कर देंगे, क्रेडिटर्स, डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड पेबल्स। ठीक है, तो वर्किंग नोट का पार्ट तुम पहले कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना, वर्किंग नोट वाला पार्ट तुम पहले कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। या फिर एक काम ऐसे भी कर सकते हो, यहीं पर ब्रैकेट में लिख सकते हो 60,000 इंटू 3 इंटू 1/12, या जितने भी मंथ आ रहे हैं, जो भी डाटा गिवन है। बस जो हमारी वैल्यू यूज होने वाली, 3 रुपीज कहाँ से आए, 50 पैसा कहाँ से आया, 1 रुपीज कहाँ से आया, या फिर 3.75 रुपीज कहाँ से आया, या 4.5 रुपीज कहाँ से आया, इस चीज को बस तुम वर्किंग नोट के अंदर मेंशन कर दो।
ठीक है बेटा, क्लियर। ये हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आ गई। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसके अंदर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट देने के बावजूद वो लोग कहेंगे सेफ्टी के लिए हम लोग कुछ प्रोविजन और बनाना चाहते हैं, सेफ्टी के लिए जितनी वर्किंग कैपिटल आई है उसका 10% और ऐड करना चाहते हैं। तो ये जितनी अमाउंट आई है उसका हम लोग 10% और ऐड कर देंगे, बट ये तभी करेंगे जब क्वेश्चन के अंदर गिवन हो। सेफ्टी पर्पज बोल दो या प्रोविजन के तौर पर बोल दो, कुछ अमाउंट जितने भी तुम ऐड कर रहे हो उसको यहां पर ऐड करके दिखा देंगे। ठीक है, एक चीज का और ध्यान देना बेटा, डेटर की अमाउंट निकालने के लिए लोगों ने टोटल कॉस्ट ऑफ सेल के लिए ये यूज किया है, इसकी बजाय हम लोग क्या यूज करेंगे? सर हम लोग यूज करेंगे रॉ मेटेरियल का कितना पैसा लगा है, लेबर का कितना लगा है, ओवरहेड का कितना लगा है, टोटल मिलाकर 4.5 रुपए। 4.5 रुपए को मल्टीप्लाई कर दो 60,000 यूनिट के साथ, तो यही हमारा आंसर आएगा, 2,70,000 रुपए। क्लियर? अगर इसी के अंदर हमारे पास कोई और एक्सपेंसेस गिवन होते जिसको हम लोग बोल रहे हैं ऑफिस एक्सपेंसेस या सेलिंग एक्सपेंसेस, तो उसको भी हम लोग ऐड कर देते। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही करो, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो मैं तुम लोग को व्हाट्सएप कर दूंगा।